नमस्कार मित्रों, स्वागत है फिर से आप सभी का एक बार। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे बृंद या कुतुब। ठीक है, तो थ्योरी की तरफ हम लोग चल रहे हैं। बहुत सारी वीडियो में मैंने थ्योरी बताया है, उसी क्रम में ये थ्योरी का प्लेलिस्ट है, उसमें जाकर देखिए आप लोग, बहुत सारे थ्योरी पड़े हुए हैं, उसी में ये सारे वीडियो मिलेंगे थ्योरी वाले में। और कुछ थ्योरी जानना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि एमसीक्यू बहुत सारे देखे हैं, फिर बाद में भी देखेंगे जैसा एग्जाम आएगा। ठीक है, तो चीज़ों को थोड़ा विस्तृत समझ लेते हैं, और जो भी थ्योरी बताते हैं वो आपके एग्जाम से संबंधित होते हैं, उससे रिलेटेड होते हैं, क्योंकि कुतुब के कितने प्रकार है ये प्रश्न आए थे, तो मैं सोचा कि इसको थोड़ा विस्तृत बता दिया जाए। ठीक है, तो चलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। सबसे पहले बृंद या कुतुब, बृंद किसे कहते हैं, कुतुब किसे कहते हैं, इसको जानते हैं। ठीक है, देखिए प्राचीन समय में एक साथ बहुत से वाद्यों को बजाने की क्रिया को बृंद वादन कहते थे। ठीक है ना, बहुत सारे वाद्य यंत्रों को एक साथ बजाना बृंद वादन कहलाता था। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि कई बार इसके बारे में एमसीक्यू में भी बताया गया है कि वाद्य, कई सारे वाद्यों को एक साथ बजाना कौन सा वादन कहलाता है। ठीक है, तो उसको बृंद वादन कहते हैं। ठीक है, बहुत सारे वाद्य यंत्र एक साथ बजते हैं। प्राचीन समय में एक साथ बहुत से वाद्यों को बजाने की क्रिया को बृंद वादन कहते हैं, ये दिमाग में फिट कर लीजिए। बृंद वादन किसे कहते हैं, बहुत सारे लोग जानते हैं, जो लोग नहीं जानते आज जान लीजिए कि बहुत सारे वाद्य यंत्रों को एक साथ बजाना, इसमें बहुत सारे वाद्य यंत्र रहते हैं। ठीक है, उसको बृंद वादन कहते हैं। बृंद वादन को पश्चात संगीत में ऑर्केस्ट्रा कहते हैं। यहाँ पे दो प्रश्न मिल गया, क्या कि बृंद वादन को पश्चात संगीत में क्या कहते हैं, तो ऑर्केस्ट्रा कहते हैं, और प्राचीन समय में एक साथ बहुत से वाद्यों को बजाने की क्रिया को बृंद वादन कहते हैं। यहाँ से दो क्वेश्चन आपको मिल गए। ठीक है, इस तरह के प्रश्न आते हैं। बृंद वादन के लिए नाट्य शास्त्र में कुतुब शब्द का प्रयोग किया गया, यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन मिल गया। ठीक है, तो ये तीन जो क्वेश्चन है कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है, तो एक साथ समझिए, बृंद वादन के लिए नाट्य शास्त्र में कुतुब शब्द का प्रयोग किया गया है, ये भी आता है प्रश्न कि बृंद वादन के लिए नाट्य शास्त्र में किस शब्द का प्रयोग किया गया है, तो कुतुब का। पश्चात संगीत में बृंद वादन को क्या कहते हैं, तो ऑर्केस्ट्रा कहते हैं, और प्राचीन समय में बहुत सारे वाद्यों को एक साथ बजाना क्या कहलाता है, बृंद वादन कहलाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए कुतुब के कितने प्रकार होते हैं। ठीक है, इस बार आया था स्टेट में आया था, ये प्रश्न स्टेट में आया था, मैं सोचा कि इसको थोड़ा बता दिया जाए। ठीक है, कुतुब के तीन प्रकार होते थे। ठीक है, कितने प्रकार, तीन प्रकार, याद रखिएगा, तत्कुतुब, औरत कुतुब, नाट्य कुतुब। ठीक है, देखिए तत्कुतुब में क्या होता था, तत्कुतुब में तंत्रीवादियों का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, औरत कुतुब में चर्म से मढ़े वाद्यों का प्रयोग होता था, जैसा कि आप लोग वाद्य यंत्रों के प्रकार में पढ़े हैं। ठीक है, औरत में चर्म से मढ़े वाद्यों का प्रयोग होता था, नाट्य कुतुब में तत् औनद वाद्यों तथा गायक गायिकाओं का प्रयोग किया जाता था। नाट्य कुतुब में तत् औनद तथा गायक गायिकाओं का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, नाट्य कुतुब में, तो यहाँ पे जो है आपके कुतुब के तीन प्रकार है, तत् कुतुब, औनद कुतुब, नाट्य कुतुब। तो ये प्रश्न भी आप लोग आगे याद रखिएगा। देखिए जिस तरह के परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं, तब जाकर उस पर हम लोग फोकस करते हैं कि किस प्रकार के प्रश्न आए थे, आए हैं, तो फिर उसको हम लोग अध्ययन करते हैं। उससे पहले क्या पूछेगा, क्या है, बहुत सारी चीज़ें, बहुत मैटर है, बहुत सारी किताबें हैं। ठीक है, तो कहाँ से प्रश्न पूछता है ये हम लोग जानते नहीं हैं, लेकिन जैसे ही प्रश्न पूछा जाता है उसको ढूंढते हैं, पता लगता है, तो फिर उस पर ज़्यादा लोग फोकस करते हैं कि ये प्रश्न आया था। तो इसलिए मैं इस चीज़ को एक बार और बता रहा हूँ कि कुतुब का प्रकार जो इस बार पूछा था, आप लोग जान लीजिए, तीन प्रकार के होते हैं, तत् कुतुब, औनद कुतुब, नाट्य कुतुब। तत् में तंत्रीवादियों का प्रयोग, औनद में चर्मवादियों का प्रयोग, और नाट्य में तत् औनद और गायक गायिकाओं का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब इसमें नाट्य कुतुब के भी तीन प्रकार है। ठीक है, नाट्य कुतुब के तीन प्रकार है, कौन कौन से, उत्तम, अधम, मध्यम। ठीक है, तो उत्तम में क्या होते थे, चार गायक, आठ सह गायक और चार मृदंग वादक हुआ करते नाट्य कुतुब के उत्तम में। ठीक है, ये भी पूछ देगा, ये भी क्वेश्चन आ सकता है, हो सकता है कुतुब के कितने प्रकार हैं,
ये पूछ दिया है, तो ये भी पूछ सकता है कि नाट्य कुतुब के कितने प्रकार है, तो तीन प्रकार के होते हैं, उत्तम, ठीक है, उद्धम, अधम और मध्यम। ठीक है, उत्तम में चार गायक, आठ आठ सहगायक और चार मृदंग वादक। अधम में जो है दो गायक, चार सहगायक और दो मृदंग, इसके सीधे आधा। ठीक है, मध्यम में समझ ही रहे हैं कि मिडिल कर देंगे, यानी दे रहा है कि जिस कुतुब में भागीदारों की संख्या उत्तम से कम, यानी कि इससे थोड़ा कम हो, और अधम से अधिक, यानी कि इसमें क्या हो सकता है कि तीन गायक, हाँ, छह सहगायक और तीन मृदंग वादक हो सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका मध्यम है। ठीक है, एक चीज और जान लेते हैं यहाँ पे, पंडित रविशंकर। ठीक है, पंडित रविशंकर ने हिंदुस्तानी वृंद वादन का विदेशों में प्रचार प्रसार किया। ये प्रश्न भी आया था, ठीक है, कि वृंद वादन का प्रचार प्रसार सबसे ज्यादा किस संगीतकार ने किया, तो पंडित रविशंकर ने। ठीक है, विदेशों में ज्यादा प्रचार किया है, वृंदवादन किया है सितार के साथ। मुरसली, वरदास्त, सिराजी और कलंदरी आदि धुने मुगल काल में वृंदवादन के अंतर्गत बजाई जाती थी। देखिए, ये धुन है, धुन का नाम क्या है, मुरसली, वरदास्त, सिराजी, कलंदरी। ठीक है, ये धुने मुगल काल में वृंदवादन के अंतर्गत बजाई जाती थी। देखिए, यहाँ पे एक शब्द और आ गया है, गिटकिरी। गिटकिरी के बारे में मैं पिछले वीडियो में बताया हूँ। ठीक है, क्या है, एक छोटा सा अलंकार है जिसमें एक स्वर को आसपास के स्वरों के साथ गूंथ दिया जाता है, जैसे निसा रेसा, मप ध प, रेरे सा निसा। ठीक है, तो ये गिटकिरी क्या होता है, एक स्वर को आसपास के स्वरों के साथ गूंथ दिया जाता है, उसको गिटकिरी कहते हैं। ये एक अलंकार के तरह होता है। ठीक है, एक चीज और जान लीजिए यहाँ पे, पूर्ण स्वर किसे कहते हैं, लघु स्वर किसे कहते हैं, अर्ध स्वर किसे कहते हैं। ठीक है ना, ये अर्ध स्वर है। यहाँ पे अर्ध स्वर, ठीक है, देखिए, पूर्ण स्वर, चार श्रुतियों वाले स्वरों को पूर्ण स्वर कहते हैं। तो चार श्रुतियों वाले स्वर कौन कौन से हैं, सा, म और प। ठीक है, चार चार श्रुतियां होती है। लघु स्वर किसे कहते हैं, तीन श्रुतियों वाले स्वर को लघु स्वर कहते हैं। ठीक है, तो लघु में कौन कौन आ जाएंगे, रे और आपका ध। ठीक है, और दो श्रुतियों वाले स्वर को अर्ध स्वर कहते हैं। तो अर्ध स्वर में कौन कौन आ जाएंगे, दो दो श्रुति वाले कौन कौन से है, ग और नी। ठीक है, ग और नी, ये तीन तीन श्रुति के, ये दो दो। ठीक है, ठीक, तो ये आपके पूर्ण स्वर, लघु स्वर और अर्ध स्वर, समझ गए क्या होते हैं। पूर्ण स्वर में चार श्रुति वाले स्वरों को पूर्ण स्वर कहते हैं, जैसे सा, म, प। लघु स्वर तीन श्रुतियों वाले स्वरों को लघु स्वर कहते हैं, रे और ध। अर्ध स्वर दो श्रुति वाले स्वर को अर्ध स्वर कहते हैं। ठीक है, ये दिमाग में रखिएगा, कभी भी कोई पूछे कि पूर्ण स्वर किसको कहते हैं, तो सा, म, प को। और अगर ऑप्शन में हो कि किन श्रुतियों वालों को, तीन चार दो, तो चार श्रुतियों वालों को। लघु स्वर किसे कहते हैं, तो तीन श्रुतियों वालों को, जैसे उसमें दिया रहेगा, अगर रे था या फिर तीन श्रुति, दो श्रुति, चार श्रुति, तो उसमें सही बता सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे अर्ध स्वर की बात आए, तो दो श्रुति वालों को अर्ध स्वर कहते हैं, जैसे ग और नी। ठीक है, तो चलिए, इसमें तीन चार टॉपिक को आप लोगों ने जाना, यहाँ पे पूर्ण स्वर, लघु स्वर, उसके बाद वृंदवादन का प्रचार से संबंधित नाट्य कुतुब के प्रकार, कुतुब के प्रकार, ठीक है, और कुतुब और वृंदवादन किसे कहते हैं, ये तीन चार टॉपिक आप लोग जाने, इनसे क्वेश्चंस बनते हैं। तो इसको अच्छे से आप लोग समझ लीजिएगा, साथ ही टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, वहाँ पे इसका PDF मिलेगा, मैं PDF भेजता रहता हूँ जो भी होता है। ठीक है, तो जो लोग भी अभी तक टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किए हैं, कर लीजिए। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।